अभी हम हैं ठीक पवित्र गुफा के सामने। ये आप सामने की ओर देख रहे हैं पवित्र गुफा। जी हाँ, श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। ये अभी दर्शन कर रहे हैं आप, और ये देख रहे हैं आप पवित्र गुफा जो है बाबा श्री अमरनाथ जी की, जो संपूर्ण रूप से पहाड़ों में विराजमान है, जहाँ पर लाखों तादाद में श्रद्धालु बाबा जी की इस पवित्र गुफा में ईमानी शिवलिंग के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। और ये गुफा के नीचे का विजुअल्स है, और सामने अगर हम आपको दिखाएं जो बाढ़ आई थी वो भी यहीं से आई थी। पवित्र गुफा के साथ में आपको एक ऊपर की ओर एक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक पानी का एक वाटरफॉल दिखता होगा, इसी से जहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहीं से जो फ्लड आया था यहीं से आया था, जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था, और इसके बाद जो नुकसान हुआ था वो इस साइड में हुआ है। इसके अवशेष मैं आप सबको कई बार बता चुका हूँ कि अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं इस साइड जो तबाही हुई थी वो इस साइड हुई थी, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आप इस वाली साइड में तबाही हुई थी, और यहाँ पर नीचे जो टेंट्स के मलबे है और टेंट्स में जितने भी लोग रहते थे जो बर्तन थे उनका सबूत यहाँ पर पूरा दिखाई देता है। तो ये अभी फिलहाल आप गुफा से कर रहे हैं दर्शन, ये है ऊपर गुफा और नीचे ठीक ही मार्केट है। ये आप देख रहे हैं गुफा, और जो बादल फटने की घटना आई थी वो इस साइड आई थी, वो आप देख रहे हैं सामने ऊपर इस साइड से। अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, पर फिलहाल उससे पहले आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप शिव के धाम पर आते हैं तो अपनी सोच को स्वच्छ बनाकर आइए, गंदी सोच लेकर मत आइएगा। ये देखिए यहाँ पर आपदा का पूरा जो प्रचंड प्रहार हुआ था उसके कुछ विशेष यहाँ पर अविशेष दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं काफ़ी मजबूत जो यहाँ पर क्रेट्स बांधे गए थे उनको भी उसने नष्ट करके रख दिया, जितने टेंट्स थे वो वहीं के वहीं पड़ गए, और मलबा अच्छा खासा यहाँ पे घिर गया। और ये आप देख रहे हैं काफ़ी तबाही हुई थी यहाँ पे, और ये अभी भी अविशेष जो हैं यहीं पर हैं, ठीक है। और इसके ऊपर का दिखाऊंगा, फिलहाल आप सबको ले चलता हूँ जो बाढ़ में पूरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुआ था इलाका। ये देखिए मलबा इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि पूछो मत, और यहाँ पर किसी के शूज़ यहीं पर रह गए हैं और किसी के कपड़े यहीं पर रह गए हैं, ये देख रहे हैं आप। और शूज़ देखिए, किसी के शूज़, किसी का चप्पल यहीं पे रह गए हैं। और इस आपदा ने काफ़ी बड़ा यहाँ पर प्रचंड प्रहार किया था, ये देख रहे हैं आप। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी की बचने की संभावना हुई होगी इतने बड़े भीषण हादसे के बाद। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारी प्रहार हुआ है आपदा का। ये सामने पवित्र गुफा, और गुफा के सामने जो है एक बहता झरना, वहीं से वो आपद बन के आई थी। श्रद्धालु और कुछ जहाँ जो यहाँ पर रुके हुए लंगर के कर्मी थे, और ये बाढ़ पूरे इस इलाके को ग्रस्त करती चली गई, और जिसमें कि अपने ये पीछे सबूत छोड़ती चला गई। आप सबको बताना चाहूँगा इस आपदा को ज़िंदगी में ना भूलिएगा, क्योंकि कुछ गलतियाँ हुई हैं लोगों से जिसकी वजह से भगवान क्रोधित हुए हैं, और जिसके बाद ये एक बहुत ही भीषण हादसा हुआ यहाँ पे। और ये देखिए काफ़ी दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद ये यहाँ का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये देखिए जो आर्मी द्वारा रेस्क्यू किया गया था, जिन श्रद्धालुओं को मलबे में दबे हुए थे जिनको निकाला गया था, वो यहाँ पर पूरा मलबा दिखाई दे रहा है, और कुछ ही मलबा दिखाई दे रहा है, और ये घटना जो सामने घटी थी। फिलहाल यही थी वो घटना जो मैं अभी आपको यहाँ से अवशेष दिखा रहा हूँ। बुरी तरह से प्रभावित हुआ था ये इलाका, जी हाँ, बुरी तरह से बुरी। इस तरफ से बहुत ही बड़ी मार्केट हुआ करती थी इस तरफ आने के लिए, और वो मार्केट पूरी तरह से ख़त्म कर दी आपदा ने।